भाई काइली जेनर गई है कमोलिका से ही तो नहीं सीखी लिप्स को ओवरनाइट करना। यस मैम। राइट चंद राइट चंद राइट चंद जो उसका एंट्री म्यूजिक था या इट मेक्स यू फील सो पावरफुल। किसने बोला वैम्प? मेरे को तो हीरोइन का म्यूजिक नहीं अच्छा लगा। Hi guys, this is Akanshi. Hi, and I'm Mahima. And today you're watching the Nostalgia Show. और आज हमारा एपिसोड है वैम्प्स के बारे में। महिमा पे ज़ूम कर दो। क्यों मैं वैम्प लग रही हूँ तेरे को? नहीं, but basically हम बात करें कि वैम्प्स की क्या रिप्रेजेंटेशन है टीवी में। टीवी में। Because जब हम जैसे हम बड़े हुए हैं तो हम कुछ वैम्प्स को कुछ पर्टिकुलर म्यूजिक और वो कुछ यू नो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। So let's go. Let's start with the OG वैम्प, Akanshi. नॉट गांजी नॉट दी ओजी वैम्प कमोलिका के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो उसका एंट्री म्यूजिक था पावरफुल। किसने बोला वैम्प? मेरे को तो हीरोइन का म्यूजिक नहीं अच्छा लगा। तुलसी किसको बनना है? वरना भी कमोलिका। या मेरे को भी अबला नारी नहीं बनना यार। दैट्स टू 90s। या वो पर्टिकुलर बिंदी और वो डार्क कोल्ड आईज और वो ओवरलाइंड लिप्स जिसको अब लोग Y2K स्टाइल बोलते हैं बट इट्स एक्चुअली कमोलिका। या और वो सेक्सी ब्लाउजेस द वुमन हु नोस व्हाट शी वांट्स उसको वैम्प बना देते थे यार टीवी में। तो हम भी वैम्प ही हुए इस हिसाब से बिकॉज वी नो व्हाट वी वांट। यार कमोलिका के टाइम से चल रहा है ये छल्ला घुमाना चाबी का, मतलब इफ यू हैव कीज इन योर हैंड you are in control. Also ऐसे टीवी में मैंने नोटिस किया है the other woman she's only the vamp. ऐसे दिखाया जाता था कि भाई लड़के की कोई गलती नहीं है he's getting involved बाहर की किसी औरत के साथ, लेकिन अगर औरत पड़ रही है बीच में तो वही वैम्प है भाई। हाँ अभी ऐसे लीडिंग एक्ट्रेसेस को इतना सारा ज्वेलरी और बड़े बड़े लहंगे पहना दोगे तो वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी अपने पति के ऊपर, और इसलिए मैं कहती हूँ कि सेक्सी ब्लाउजेस पहनो, सेक्सी पहनो, बैकलेस पहनो, उसी से अटेंशन मिलेगी। इस सास और बहू के बीच में एक वैम्प होती है हाँ। जो छोटी बहू होती है, छोटी बहू जो छोटी नंद भी, नंद भी हाँ, जो खाने में मिर्ची डाल देती है हाँ। जो नमक डाल देती है, जो प्रेग्नेंट बहू को तेल डाल के सीढ़ियों से गिरा देती है। अरे मेरे को एक बात बताओ, तुम इतने जॉबलेस हो क्या हाँ। मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा तुम्हें करने के लिए तो तुम किट्टी डाल लो, ये क्या मिर्चियां डाल रही हो दूसरों के। सही बात है यार। और ये क्या है, बहुएं बार बार गिरी जा रही है गिरी जा रही है। सिंघानिया खानदान की चिराग की कोई तुम्हें अहमियत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं भी गिर जाओगी, कहीं भी गिर जाओगी। नॉनसेंस यार। और जैसे कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन का क्या नाम था, यशवर्धन रायचंद। तो जैसे यशवर्धन रायचंद बोलता है कि क्या ये लड़की हमारी खानदान की समझ पाएगी नहीं या जो भी है, खुद तुम मतलब डांस कर रहे हो शावा शावा पे, देन दैट्स फाइन। ठीक है शावा शावा करो, रशियंस को बुला के हाँ खुद डांस कर रहे हैं, जया बच्चन को आके बोलना पड़ रहा है बस परंपरा प्रतिष्ठा। तब कहाँ गई थी परंपरा प्रतिष्ठा? हमेशा ऐसे क्यों होता है कि परंपरा और प्रतिष्ठा जो है वो एक औरत के हाथ में होती है? सही बात है। जो लड़का बाहर जा रहा है कमोलिका के साथ कुछ 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 करने, उसके हाथ में कुछ नहीं है। सही बात। उसके हाथ में ना परंपरा है ना प्रतिष्ठा है ना प्रशासन है। ऐसा करते हैं हम उतने वैम्प्स के साथ अपने इनर वैम्प्स के साथ कनेक्ट में नहीं है तो हम देख लेते हैं कुछ क्लिप्स। हम आप भी हमारे साथ देखें, हमारी एनर्जीज अलाइन हो जाएं ये वैम्प्स के साथ, हमारे चक्रास वैम्प के साथ अलाइन हो जाएं। लेट्स डू दैट। या या तुम भी चुप रहो काव्या, बापू जी सो रहे हैं। आई डोंट केयर। ऐसी लड़की है, शी डजंट केयर। I mean facts. बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा तू करने के पहले नहीं सोचती है तो मैं बोलने से पहले क्यों सोचूं? हम भी तो बोलने से पहले नहीं, हम करने से पहले नहीं सोचते कुछ नहीं, हम भी नहीं सोचते। मतलब वेरी कॉमन वैम, वेरी कॉमन वैम। मतलब ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ काव्या के कैरेक्टर से, मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ। मतलब पति को भी वैम्प से प्रॉब्लम है पर वो उसकी बीवी है और सास को भी वैम्प से प्रॉब्लम है लेकिन वो उसकी बहू है, और अनुपमा को भी काव्या से प्रॉब्लम है जो वैम्प है लेकिन वो लिटरली अब कुछ नहीं कनेक्शन है उसका, पर वो फिर भी उस घर में पड़े रह के उनके झगड़े सुलवाती रहती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि अनुपमा चाहती क्या है। मुझे काव्या से नहीं, मुझे अनुपमा से प्रॉब्लम है, मुझे वैम्प से नहीं, मुझे हीरोइन से प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम क्या है?
मुझे यार खिचड़ी खिलवा दे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी खिचड़ी पका रही है अनुपमा पे। काव्या को इतना वो करा जा रहा है, वो बोल रही है आई डोंट केयर, मतलब शी डजंट केयर। इसमें इतना वैम्पी क्या हो गया? सही बात, क्या वैम्प बिहेवियर इसमें? बापू जी उठ जाएंगे और उसके सास भी तो चिल्ला रही है, तब तेरा पति नहीं उठ रहा है। बट यू नो आकांक्षी, व्हाट आई लाइक अबाउट काव्यास कैरेक्टर हियर इज कि उसको इतना ओवर द टॉप मेकअप नहीं दिया है, वो बड़ी बड़ी बिंदियां, वो आई लाइनर्स, और उसको मतलब एक तरीके से ऐसे भूत जैसा नहीं दिखाया। बट आई थिंक आई मिस दैट। तो यार आई मिस दैट होल ड्रामा एनर्जी। तो आज हम कर लेते हैं ना वो, व्हाई नॉट करते हैं, चैनलाइज आवर इनर वैम्प्स। या वी हैव सम मेकअप स्टफ एंड वी आल्सो हैव बिंदीज। प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा। छोटी वाली नहीं चलेगी भाई तू, यार ये तू बड़ी वाली लगा, ये बिंदी। एक काम कर, तू रमोला बन जा, मैं कमोलिका बन जाती हूं। ठीक है, ठीक है ना? सेंटर में इसको मैंने प्लेस किया है कि नहीं ये तो अब ऑडियंस ही जाने। शी इज चैनलाइजिंग और इनर कमोलिका। आ गई मैं उस रूप में। आई थिंक एक ओवर लाइनिंग ऑफ लिप्स मिसिंग है। ओ भाई, काइली जेनर गई ये कमोलिका से ही तो नहीं सीखी लिप्स को ओवरलाइन करना? यस मैम। भाई लेकिन आई मस्ट टेल यू, रमोला की बिंदियां बनाते हुए सेट पे ना मेकअप आर्टिस्ट के बड़े मजे आते होंगे। कभी बिंदी के नाम पे डमरू बन रहा है, कभी त्रिशूल बन रहा है, कभी कुछ है। so, मैंने सांप भी देखा था। व्हाट, बता तुझे लगता है मुझे इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है अपने लिप्स में? बिल्कुल भी नहीं। It's Kamalika era and we are just living in it. I love it. Me too. यार वैसे मुझे तो वैम्पी सा फील हो रहा है और हमने ऐसे उनके गेटअप भी ले लिया है, तो why not recreate some of their scenes? Yeah, let's do that. Let's do it. तू कल मुझे अपने पति को तूने खाया है, उसको बेड रेस्ट पे पहुंचा दिया है, मुझे मत बोल। तेरी खीर में जहर डाल के तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को खिलाऊंगी। मेरे बेटे पे डोरे डालना बंद करेगी तब आप आएगी ना किचन में टाइम से? मेरा पति लेटे लेटे भी वो सब कर लेता है जिसकी जरूरत। दिस वॉज सो मच फन। आई हैड सो मच फन प्लेइंग अ वैम्प। आई एम फीलिंग माय सेल्फ। मी टू। आई थिंक हम ऑफिस एंड ऐसी आने वाले अब। बिल्कुल। एंड यू ऑल्सो एवरी वन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आई डीवा। बाय।